स्टार्ट रिस्पॉन्स टू लाउड साउंड मे मीन्स। अगर एक बच्चा, इन्फेंट कहते हैं जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, जो अभी पैदा हुआ होता है, वो लाउड साउंड पे अगर रिस्पॉन्स करता है, इसका मतलब क्या है? ए कि वो नॉर्मल हेयरिंग के साथ है, बी बाइलेटरल हेयरिंग लॉस, एंड सी प्रिस्क्वाइसिस। इसमें अगर बच्चा किसी लाउड साउंड पे रिस्पॉन्स कर देता है, देन वो नॉर्मल हेयरिंग के साथ है, क्योंकि वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। इसके लिए हम बहुत सारे टेस्ट भी यूज़ करते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ABR टेस्ट, और उसमें यही मेथड इस्तेमाल किया जाता है कि उसको लाउड साउंड दी जाती है या हाई वाइब्रेशंस दी जाती हैं, जिससे वो रिस्पॉन्स करता है। नंबर 12, टीचिंग चिल्ड्रन हु कैन नॉट हेयर इन्वॉल्व सेंसेस आर। अब इसमें जो बच्चा सुन नहीं सकता, वो कौन सी सेंसेस यूज़ करता है कि वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सके? नंबर 1, टैक्टाइल। टैक्टाइल मींस होता है ऐसी चीज़ें जिन्हें हम छू के महसूस कर सकें। नंबर 2, विजुअल्स, देख के, कैनेस्थेटिक मूवमेंट्स, एंड ऑल ऑफ अबव। अब इसमें जो बच्चा हेयरिंग लॉस के साथ है, वो अपनी तमाम सेंसेस यूज़ करता है टू अंडरस्टैंड योर कन्वर्सेशन, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर उसको देखने की मदद चाहिए किसी चीज़ को, या वो छू के किसी बात का अंदाज़ा लगा सकता है। मोस्टली जो हेयरिंग अपेयरमेंट चाइल्ड होते हैं, उनकी 75% लर्निंग विजुअल्स पे होती है, वो देख के ही किसी बात को समझ जाते हैं। इसलिए ऑल ऑफ अबव इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें से कोई भी चीज़ वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेफ रेफर्स टू अ पर्सन हु हैज़ अ हेयरिंग लॉस इन द रेंज ऑफ। अब हेयरिंग लॉस की रेंजेस हैं, जैसा कि ये आपको पिक्चर में शो किया गया है। अब हमने इसमें ये देखना होता है कि जो हमारा हेयरिंग लॉस है, किस पे लाई करता है। अगर हमारा हेयरिंग लॉस 25 to 40 dB तक आएगा, देन यू हैव माइल्ड हेयरिंग लॉस, ठीक है। लेकिन डेफ हम उसको कहते हैं जिस पे हमारा हेयरिंग लॉस 71 to 90 होता है, देन आप उसको डेफ कह सकते हैं। नेक्स्ट, हेयरिंग लॉस इन बोथ ईयर इज़ रेफर्ड टू यूनिलेटरल हेयरिंग लॉस, बाइलेटरल हेयरिंग लॉस, एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस। ये देखें, जैसे ये नाम से ही जाहिर है कि अगर आपको दोनों कानों में हेयरिंग लॉस हो, देन यू हैव बाइलेटरल हेयरिंग लॉस। यूनिलेटरल हेयरिंग लॉस बोलते हैं जिसको एक कान में हेयरिंग लॉस होता है। नेक्स्ट, द एंड ऑर्गन ऑफ द हेयरिंग इज द। अब इसमें हेयरिंग, इसमें ईयर के पार्ट्स के बारे में बात हो रही है कि जो सबसे लास्ट ऑर्गन होता है ऑफ हेयरिंग का, वो कौन सा है? फर्स्ट वन इज ऑडिटरी कैनाल, सेकंड ओसिकल्स, एंड थर्ड इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। देखिए, ऑडिटरी कैनाल तो फर्स्ट में ही होती है। ओसिकल्स हम बोलते हैं 3 बोन्स को, मेलस, इनकस, एंड स्टेपीज। लेकिन जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है, वो होता है कोक्लिया के अंदर। देन ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ईशियन ट्यूब कनेक्ट्स द मिडल ईयर विद डैश। के ईशियन ट्यूब मिडल ईयर के साथ किस तरह से कनेक्ट होती है? आउटर ईयर के साथ ईशियन ट्यूब कनेक्ट नहीं हो सकती, ना ही इनर ईयर के साथ। ईशियन ट्यूब पार्ट है मिडल ईयर का, देन ये नेजोफेरनिक्स के साथ अटैच होती है मिडल ईयर में। नेक्स्ट है, नर्विंग ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज कॉल्ड। कि अगर आपकी जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, अगर वो छोटी है, नैरो है, तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट वन इज माइक्रोटिया, सेकेंड वन इज़ ओटाइटस मीडिया, एंड थर्ड वन इज़ स्टिनोसिस।
अब देखिए इन टर्म्स को आप पहले से जानते हैं, माइक्रोटिया मीन्स जिसके कान छोटे होते हैं, ओटाइटिस मीडिया एक मिडिल ईयर इन्फेक्शन है, देन स्टेनोसिस इज़ द करेक्ट आंसर। वट इज़ द प्रिवलेंस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जो हेयरिंग लॉस के साथ हैं, देन 77 to 9% इज़ द करेक्ट आंसर। एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द सेंसरी रिसेप्टर्स ऑफ द इनर ईयर इज रेफर्ड टू एज, फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरो हेयरिंग लॉस, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस एंड ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। एन ऑब्स्ट्रक्शन के मतलब कोई रुकावट है सेंसरी रिसेप्टर्स ऑफ इनर ईयर, के इनर ईयर में कोई ऐसी रुकावट है जिसकी वजह से हमें आवाज़ नहीं सुनाई देती, तो ये क्या हो सकता है? देखिए इसमें आपको दो बात क्लियर होनी चाहिए। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस तब होता है जब कोई डिफेक्ट या डैमेज होता है आपके आउटर और मिडिल ईयर में, अगर इन दो पार्ट्स में कोई डिफेक्ट या डैमेज है देन इट इज़ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। लेकिन अगर आपके इनर ईयर में प्रॉब्लम आ रही है या आगे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ रही है देन इट इज़ सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। अब इसमें हमने इनर ईयर को डिस्कस किया है, तो इनर ईयर के साथ जो प्रॉब्लम रिलेट करती है वो होती है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में लाई करती है, देन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस इज़ द करेक्ट आंसर।